हेलो बच्चों, हम लोग आज अपने इस वीडियो में इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से मैंने लिया है, और जो भी बच्चे मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी नीट में या फिर मेंस में अपियर होने वाले हैं, जी मेंस में, उनके लिए इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत ही काम आ सकता है। सो देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल में क्या कंसेप्ट है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो करना हमें क्या है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक मास एम नॉट प्लेस है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस मूवेबल पुली के साथ कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रिंग। ठीक है, दिस मास इज कनेक्टेड विद दिस मूवेबल पुली, दिस पुली इज फिक्स एंड दिस इज मूवेबल। ये मास अगर राइट जाएगा, ठीक है, सो स्ट्रिंग क्या होगा, नीचे आएगा, सो ये मूवेबल पुली भी नीचे आएगा। ओके, देन फर्दर इस मूवेबल पुली के साथ एम वन एम टू दो मास थ्रू दिस स्ट्रिंग अटैच है, कनेक्टेड है। ठीक है, सो एम वन एम टू का क्या होगा, इस पुली पर मोशन होगा ऊपर नीचे। ठीक है, देन ये मास राइट जाएगा, सो ये पुली भी ओवरऑल नीचे आएगा। कहने का मतलब ये सिस्टम पूरा ओवरऑल नीचे आएगा। ठीक है, सो करना क्या है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ एम वन। ठीक है, सो इस दिस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में आपको एम वन का जो है एक्सीलरेशन निकालना है। ओके, गिवन क्या है, पुली इज मासलेस। अब इस बात को समझना है कि मासलेस पुली होगा तो क्या होगा। देखिए, अगर पुली गिवन है क्वेश्चन में कि इट इज मासलेस, सो मासलेस इसलिए दिया रहता है क्योंकि मास अगर जीरो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, सो एक्सेलरेशन के बावजूद उस पर फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। इस बात को समझना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास इज जीरो, फोर्स इज जीरो, है ना। अगर पुली का मास दिया रहता सो उसको भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते, है ना, जिस पर कि फोर्स एक्ट करता, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर मासलेस पुली है सो उसको सेपरेट बॉडी के जैसा हमको नहीं देखना है। ठीक है, कोई मूवेबल बॉडी वो नहीं है, क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स जीरो है। ठीक है, सो अगर मासलेस पुली होगा सो पुली का सिर्फ क्या काम है, पुली हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, ऐसे ऊपर के टेंशन को नीचे के टेंशन को बैलेंस कर देंगे, सो डैट कि पुली जो है वो थ्रेड के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में बना रहे। ठीक है, सो फोर्स इज वॉट, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर मास जीरो नहीं होगा, इफ एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो फोर्स जीरो भी होगा, बट अगर एम आपका, एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट अगर एम आपका जीरो होगा सो उसके इसमें फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर मान लीजिए आपको दिया गया क्वेश्चन में पुली इज हैविंग मास एम एंड रेडियस आर, सो अगर मास और रेडियस दोनों दे देगा सो उस केस में याद रखिएगा तब इन्वॉल्व हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई, है ना। सो पुली को हम लोग एज ए डिस्क कंसिडर करते हैं, रोटेटिंग डिस्क, जिसका सेंटर का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर। सो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया चैप्टर में जाएंगे या फिर मोमेंट ऑफ इनर्सिया चैप्टर पढ़ेंगे सो उसमें ये सब चीज मिलेगा। सो इस पर भी हम वीडियो जो है फ्यूचर में बना के अपलोड करेंगे। ओके, ठीक है, सो हाफ एम आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द पुली, बट यहां पर ना ही मास दिया ना ही रेडियस दिया। ठीक है, अगर मास दिया रहेगा रेडियस नहीं दिया रहेगा तब आपको फोर्स कंसिडर करना है, मास दिया रहेगा रेडियस नहीं दिया रहेगा। लेकिन अगर आपको मास दिया है और रेडियस भी दे दिया है तब आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो इस केस में ना ही फोर्स लेना है पुली के ऊपर ना ही मोमेंट ऑफ इनर्सिया लेना है। ठीक है, सो एक वीडियो हम बनाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन हम लेंगे इसमें कि पुली का मास भी गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम बना के अपलोड कर देंगे, सोडा की कंसेप्ट जो है आप लोग का ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। सो ओके, सो देखिए, अगर मान ले इसमें हम इस एम नॉट मास का एक्सेलरेशन राइट वर्ड ए नॉट है, सो क्या होगा, ये पुली जो है अगर ये ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करेगा सो ये बिगर पुली जो है मूवेबल पुली ए नॉट एक्सेलरेशन से डाउन आएगा। सो देखिए, एक लिफ्ट का क्वेश्चन मैंने कराया था कि लिफ्ट पर जो है पुली कनेक्टेड है, लिफ्ट के अंदर पुली कनेक्टेड है, देन पुली पर मास जो है स्ट्रिंग के साथ अटैच है और वो लिफ्ट मूव कर रहा है। सो उस केस में हमने बताया था कि अगर किसी मूविंग बॉडी में, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, है ना, या मूविंग बॉडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उस पर क्या लगता है, स्यूडो फोर्स लगता है। सो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो स्यूडो फोर्स ले लो, स्यूडो फोर्स से भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर स्यूडो नहीं लगाना चाहते हो सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन से भी निकल जाएगा। जैसे कैसे निकालेंगे, सो देखिए, ए नॉट राइट जा रहा है सो ये भी राइट आएगा। सो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम मीन्स पुली और ये मास सिस्टम, ये क्या होगा, ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। ओके,
सो जब ये एनोड एक्सटेंशन से नीचे आएगा, इसका मतलब इसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू मास है ना, जिस मास पर स्यूडो फोर्स आप कंसिडर करना चाहते हैं, पर्टिकुलर जिस मास को लेना चाहते हैं उस मास का वैल्यू, देन एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम डाउनवर्ड है ना, स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो एक केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस सिस्टम में ए वन अप है, सो ये ए वन डाउन आएगा है ना, इस पुली में अप डाउन इसका मोशन होगा, ठीक है। सो अगर ये ए वन एक्सेलरेशन से मान लीजिए मास ऊपर जा रहा है तो ए नोट से तो सिस्टम पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ए वन माइनस ए नोट, ठीक है, है ना। अच्छा ये क्या है, ये डाउन आ रहा है ना, और ए नोट से नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए नोट है ना, ए वन प्लस ए नोट होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। सो अभी देखिए हम लोग इसको स्यूडो फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे। सो मान लेते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम एक एक करके हम ड्रॉ करते हैं, देन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए एम नॉट मास पर। सो एम नॉट मास क्या है, दिस इज एम नॉट है ना, टेंशन टी मान लेते हैं, इसमें टी टेंशन है, ठीक है, देन इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं टी वन है, ठीक है, सो थ्रू आउट स्ट्रिंग सेम है, सो इसमें भी टी वन ही हो जाएगा है ना। बट इसी केस में अगर इसका रेडियस दे देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, या रेडियस दे दिया, मास दे दिया, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व हो जाएगा, सो उस केस में टी वन दोनों इक्वल नहीं होगा, इस थ्रेड में इस साइड जो टेंशन होगा जो उस साइड टेंशन होगा दोनों ही अलग हो जाएगा, ठीक है। सो यहां नहीं है, सो हम लोग थ्रू आउट से ले लेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट थ्रेड हैविंग डिफरेंट टेंशन, सो इस थ्रेड में जो टेंशन होगा वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। सो देखिए अब इसका मोशन लिखिए है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, सो क्या होगा, ए नॉट राइट वर्ड है, सो इसका मतलब टी इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सो इक्वेशन वन हो गया, ओके। देन आ जाइए पुली का ऊपर। सो पुली कैसा है, दिस इज, सो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ टी हो गया, डाउनवर्ड टी वन है। अब इस पर फोर्स ऊपर नीचे बैलेंस कर देते हैं, है ना, सो फोर्स तो बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि टेंशन में रिलेशन निकाल रहे हैं, है ना, और पुली का स्ट्रिंग के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट बना रहना चाहिए, वो तभी होगा जब अपवर्ड फोर्स नीचे का फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा। सो इसका मतलब दिस टी इज इक्वल टू टू टी वन, ठीक है, ये टी जो वैल्यू है वो टू टी वन के बराबर होगा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आ जाते हैं मास एम वन पर। सो एम वन के लिए देखिए, दिस इज एम वन, ठीक है, इसका एम वन जी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, सो इट इज एम वन जी, ओके, टेंशन टी वन अपवर्ड है ना, मान लिया है कि इसका एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड है ए वन है ना, इनसाइड दिस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये नीचे जा रहा है ना, ये इस पुली में ऊपर जा रहा है, बट ओवरऑल दिस सिस्टम इज गोइंग डाउन, ठीक है, सो ओवरऑल ये सिस्टम नीचे जा रहा है, तो इस पर क्या होगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, सो दिस स्यूडो फोर्स इज मास ऑफ दिस एम वन इंटू ए नॉट, ये हो गया। सो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, गोइंग अपना, सो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए, सो टी वन प्लस एम वन ए नॉट अपवर्ड फोर्स माइनस एम वन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन ए वन थर्ड है। अब इस इक्वेशन को इफेक्टिव एक्सेलरेशन से लिखिए, सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जब हमने ले लिया सो उसके इसमें स्यूडो नहीं लेंगे, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ऊपर का सिर्फ टी वन होगा, माइनस एम वन जी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम ए वन माइनस ए नॉट, ठीक है। सो देखिए एम ए वन रह गया और ये माइनस एम ए नॉट है, सो लेफ्ट साइड में आएगा, सो क्या हो जाएगा, एम वन ए नॉट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो दोनों सेम ही है ना। देन फिर हम लोग आते हैं इस पर एम टू पर, तो एम टू को देखिए इस तरह से है, ठीक है, एम टू जी डाउनवर्ड हो जाएगा, वेट इसका एम टू जी, अपवर्ड टेंशन टी वन है ना, स्यूडो का डायरेक्शन ऊपर ही हो जाएगा, एम टू ए नॉट गोइंग डाउन, दैट मीन्स एम टू जी माइनस टी वन प्लस एम टू ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू देन
इसमें जिसका एक्सप्रेशन है ए वन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फोर। अब इसको इफेक्टिव से लिखिएगा सो क्या हो जाएगा, सिंपल से टेन टू जी माइनस टी वन इक्वल टू एम टू, देन इसका इफेक्टिव एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ए वन प्लस ए नॉट। अब ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों सेम है, यहां माइनस टी वन है, माइनस एम टू ए नॉट। सो देखिए एम टू ए नॉट लेफ्ट साइड लाइएगा, माइनस एम टू ए नॉट हो जाएगा। सो दोनों इक्वेशन सेम है, है ना। सो इस तरह से जो है हम लोग इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग स्पीड ऑफ फोर्स और इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए अननोन आपके पास कितना है, ए नॉट है, देन ए वन है, टी है, टी वन है, फोर अननोन है। इक्वेशन कितना बिल्डअप हुआ, वन टू थ्री फोर। सो फोर अननोन फोर इक्वेशन है ना, सफिशियंट है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन आप बनाते हो, मीन्स जितना अननोन आपने सेटअप किया क्वेश्चन में, जितना अननोन है इक्वेशन आपका उससे कम बनता है, सो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो जितना अननोन है उतना इक्वेशन बनना चाहिए, ठीक है। सो देखिए अभी सभी को सॉल्व कीजिएगा, सो आपका इसका भी एक्सप्रेशन ए वन आ जाएगा, है ना, इस पुली में अपवर्ड, इस पुली में डाउनवर्ड एम टू का आ जाएगा, ठीक है। इसका इफेक्टिव एक्सप्रेशन अगर पूछ दिया एग्जाम में, सो ए वन माइनस ए नोट हो जाएगा, क्योंकि इसको तो ऊपर जाना है ना, बट पुली नीचे है, सो ए वन माइनस ए नोट इफेक्टिव हो जाएगा। इसका इफेक्टिव एक्सप्रेशन पूछेगा, सो ए वन प्लस ए नोट, क्योंकि वो तो नीचे आ रहा है और सिस्टम भी नीचे आ रहा है, सो दोनों का डायरेक्शन एक है, सो ए वन प्लस ए नोट हो जाएगा, ठीक है। टेंशन टी पूछेगा, सो दिस इज टेंशन टी, ठीक है। टी वन का वैल्यू पूछेगा, इसमें टेंशन, सो टी वन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा, सो सबसे पहले देखिए टी का वैल्यू है, यहां पुट कर दीजिए, सो ये क्या हो जाएगा, टी वन का वैल्यू टी बाय टू, सो दैट मीन्स एम नॉट ए नॉट बाई टू, ठीक है। अब टी का वैल्यू टी वन का वैल्यू से पुट कर दीजिए ए नॉट के टर्म में, ठीक है। देन फिर टी वन का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा आप, आपका जो है ए वन का वैल्यू आ जाएगा, है ना। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही आप इसको पुट कीजिएगा इसमें टी वन को एम नॉट ए नॉट, है ना। सो दोनों इक्वेशन इसमें और इसमें मिला के बचेगा क्या, ए वन और ए नॉट, है ना, और कोई एक्सप्रेशन नहीं बचेगा, ठीक है। सो ए वन ए नॉट सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से ए वन ए नॉट आ जाएगा, सो आपका टी वन भी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा, ठीक है। सो सॉल्व जरूर कीजिएगा आप लोग, इसको आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको बना के मैच कर लीजिएगा, ठीक है। सो एक्सप्रेशन जो आपका आएगा है ना, एक्सप्रेशन ऑफ दिस बॉडी ए वन दैट इज इक्वल टू जी फोर टाइम्स एम वन एम टू प्लस एम नॉट एम वन माइनस एम टू, ठीक है, डिवाइड बाय फोर एम वन एम टू प्लस एम नॉट एम वन प्लस एम टू, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एम वन, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, आई होप ये आपके काम का कंसेप्ट है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरा यही बोलता है कि ये कंसेप्ट जो है बहुत काम का है ना। ओके ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सो डैट चैनल ग्रो करे। ओके, और इसी तरह से हम कंसेप्ट और वीडियोज बना के आपके सामने आते रहे, आप लोगों का हेल्प जो है करते रहे। ओके, थैंक यू।